अफेक्टेड नी है मुकेश जी का, अगर हम देखेंगे तो ये मसल्स जो है ये काफ़ी पतले पड़ चुके हैं। इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50 to 70% मसल लॉस है क्वाड्रिसेप्स का और हैमस्ट्रिंग्स का। घुटना मोड़िए पूरा, तो मूवमेंट पूरी सीधी है, स्ट्रेट करिए, तो मूवमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑपरेशन के बाद में मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर हम लैकमेन टेस्ट देखेंगे तो ये लचक है, ये रिवर्स लैकमेन में ग्रेड 3 पॉजिटिव है, तो ये पीसीएल टेयर का दर्शाता है। एसीएल में लैकमेन टेस्ट नेगेटिव है, तो एसीएल मोटा मोटा क्लिनिकली नॉर्मल लग रहा है। मोड़िए प्लीज, रिलैक्स। अब ये मैं आपकी एंटीरियर ड्रॉअर और पोस्टीरियर ड्रॉअर चेक करूंगा, हैमस्ट्रिंग्स को रिलैक्स कर दिया, और मैं इसको अगर आगे खींचूंगा तो आगे भी थोड़ी सी लचक लग रही है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 लग रही है। तो मोटा मोटा एसीएल लग रहा है कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 हो सकता है, बट जैसे ही मैं पोस्टीरियर ड्रॉअर दूंगा तो ये पूरा का पूरा नीचे जा रहा है ना। सो ये जो लचक है इसमें बता रहा है कि ये ग्रेड 3 पीसीएल लैक्सिटी है, पीसीएल कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो पीसीएल का तो काम हमको 100% करना ही पड़ेगा। हम देखेंगे तो ये एमसीएल रिपेयर का चीरा है, और ये जो है इनका पहले या इन्फेक्शन, और ये जो आपका पीसीएल और एसीएल का रिकॉर्डमेंट जो भी रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था उसका चीरा है। तो पीसीएल एमसीएल के लिए अगर हम देखेंगे तो हम इसको अगर बाहर की तरफ खींच रहे हैं, जैसे हमने इसमें देखा था कि कोई भी लचक नहीं है, वैसे ही एमसीएल में भी कोई भी लचक नहीं है, 0% लैक्सिटी है। तो एमसीएल जो हमने किया था वो कम्प्लीटली 100% सक्सेसफुल था। और अगर पीएलसी देखूंगा बाहर की तरफ तो पीएलसी भी नहीं है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली एसीएल या पीसीएल की अपने को सर्जरी करनी पड़ेगी प्लानिंग के बाद। थैंक यू सो मच। सो ये पीसीएल रिकन्स्ट्रक्शन के बाद में जो घुटना है वो बिल्कुल ही स्टेबल हो गया है, जो लचक थी वो पूरी ख़त्म हो गई है। अगर पूरी ताकत लगा के भी अगर आगे पीछे खींच रहे हैं तो घुटना अभी हिल नहीं रहा है, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी हो गई है। अब आगे पेशेंट को फिजियोथेरेपी ठीक से फॉलो करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन, हमारे साथ मुकेश जी है। मुकेश जी का हमने अराउंड अबाउट 2018 में ना 2018 2018 में ये गिर गए थे, और इनके घुटने में मल्टीपल लिगामेंट्स टूटे थे। एमआरआई में एमसीएल पूरा फटा हुआ था, एसीएल पीसीएल काफ़ी डैमेज था, और घुटने में पूरी लचक थी, घुटना पूरा खुल गया था। तो मैंने ही 2018 में इनका एक लिगामेंट का ऑपरेशन किया था, जो एमसीएल था उसको मैंने रिकन्स्ट्रक्ट किया था और अच्छे से फिट किया था। और 2-3 महीने तक एमसीएल पूरा अच्छे से जुड़ गया था। स्टेज ऑपरेशन होता है मल्टी लिगामेंट में, कभी भी एक ही साथ में अपने को ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, तो कि नहीं तो घुटने जाम होने के चांसेस होते हैं। तो मूवमेंट अच्छा आ गया था, लिगामेंट पूरा सेट हो गया था। नेक्स्ट टाइम हमने इनको समझाया था कि भाई हम इनका एमसीएल पीसीएल का ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि वो लचक रह गई थी। बट कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर पेशेंट की मर्जी होती है, वो कहीं पे भी ट्रीटमेंट करा सकता है। तो उन्होंने कहीं और जाके पीसीएल का ऑपरेशन करवा लिया था, और दुर्भाग्यवश किसी सर्जन की गलती नहीं है, बट दुर्भाग्यवश कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया इनके घुटने में और पीसीएल पूरा डैमेज हो गया, और वो वापस से पीसीएल को हमको निकालना पड़ा। और हमने उसको साफ सफाई, हमने नहीं, बेसिकली किसी और डॉक्टर ने ही उसको साफ सफाई करके पीसीएल पूरा निकाल दिया वापस से। अब ये आए थे हमारे पास 4 साल बाद, क्योंकि एमसीएल बिल्कुल सक्सेसफुल था, तो ये हमसे कह रहे थे कि सर आप ही हमारा ऑपरेशन करें। तो अब इनका ऑपरेशन होके 2 दिन हो गए हैं, पीसीएल का नया लिगामेंट लग गया है। ऑपरेशन क्या हुआ था इसकी लिंक भी हम आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे। मुकेश जी को हम पूछेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, और आपका क्या चीज़ हुआ था, और ऑपरेशन के टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था, और अभी क्या तकलीफ है, आगे रिजल्ट क्या आएगा, ये तो हम आपको बताते रहेंगे। बताइए नमस्कार सर। थोड़ा जोर से। 2018 से मैं परेशान था, सर के पास गया था, उस टाइम ऑपरेशन हो गया था। आप काम क्या करते हैं? पुलिस में हूँ सर। आप पुलिस वाले हो? हाँ अच्छा, सही हो गया था। उसके बाद मैं आपके पास आया, तो उस टाइम जो आपने बताया उससे फिर मेरे को लगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और फिर आप ठीक वहाँ है। चले गए थे, तो हाँ फिर मैं आपके पास नहीं आया और दूसरे के कोई पास चले दिक्कत नहीं, गए। दैट इज ऑल उसमें ओके, दैट इज इन्फेक्टेड ऑल हो गया, फाइन। काफ़ी परेशान हुआ। फिर उसके बाद में फिर मैं इसको एमआरआई करवाई, जांचें करवाई, तो पता चला कि सर ने जो किया था वो एकदम ओके है, लेकिन जो बाद में दोबारा ऑपरेशन दूसरी जगह से करवाया वो इफेक्टेड हो गया, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। उसके बाद में 2 साल तक मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं देखता रहा कि किसको करवाऊँ, दिमाग हमेशा तरह सोचते तरह की रहेंगे सोचता रहा अपने। कि कहाँ करवाऊँ, कैसे करवाऊँ, किससे करवाऊँ, अब पता नहीं क्या होगा। फिर लास्ट में मैंने सर से बात करी, सर ने बिल्कुल
एक तरह से यानी कि इन्होंने वो नहीं किया कि तुम मेरे से दूर भाग गए या ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने मेरे को अच्छी तरह से सपोर्ट किया और मेरे को लगा कि नहीं अब दूसरी जगह जाना ही नहीं है, सर से करवाना है। और बहुत अच्छा लगा सर से करवा के, और 2 दिन में मेरे को पता ही नहीं लगा, मैं तो यहाँ घर वालों को कह रहा था कि मेरा कुछ किया भी है कि नहीं, मेरे को पता ही नहीं लग रहा। मैं अच्छा, कल परसों जैसे ओटी से बाहर आया तब कह रहा था कि मेरे पैर के और कुछ हुआ भी है कि पीसीएल नहीं। पीसीएल दोस्तों सबसे बड़ी सर्जरी होती है आर्थरोस्कोपी की, है ना, छोटी सर्जरी नहीं है। और ये जो पीसीएल है ये रिवीजन पीसीएल है। रिवीजन मतलब ऑलरेडी एक बार पीसीएल इन्फेक्ट हो चुका है, कि पीसीएल करने में ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, है ना, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स या पॉपिटल आर्टरी है वो बहुत पास रहती है। ये तो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गया है और उसमें हमने वापस से इस ग्राफ निकाल के नया लिगामेंट लगाया हुआ है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी चैलेंजिंग केस, और हमको भी नहीं पता था कि ऑपरेशन के टाइम पे कैसा रिजल्ट आएगा, बट हमने पूरी प्लानिंग के साथ सीटी एमआरआई और सारी चीज़ों को उसको प्रॉपर स्टडी करके एक प्लान बना के फिर ऑपरेशन करा था। और मुकेश जी ने भी बहुत साथ दिया था कि उसको कैसे हमको करना है, तो सर ने उन्होंने तो पूरा हमको छूट दे दी थी कि सर आप जो भी करोगे हम मेरे लिए रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज़ वो कॉन्फिडेंस ऑफ सर्जन वॉन्ट्स, है ना। बट कोई भी चीज़ें आपको समझाने की बात है। ऑपरेशन के बाद में आई थिंक मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था हाँ बिल्कुल कि मैंने आपकी जो दिखाया। लचक थी पहले कैसी थी और बाद में कैसी, तो आपको कुछ उससे पता चला कि क्या डिफरेंस आया है? नहीं, उस पर पहले वो आगे पीछे जा रहा था और जो ऑपरेशन के बाद का है उसमें बिल्कुल हिल ही नहीं रहा वो। एकदम टाइट हो गया हाँ है बिल्कुल ना। टाइट सा हो तो गया। अब इनकी जिम्मेदारी ये है कि हमारे जो फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स है ये बिल्कुल सही से फॉलो करे और 100% चीज़ों को कम्प्लीटली क्लियरली फॉलो करे, बिकॉज लिगामेंट के थोड़े से लूज होने के भी चांसेस होते हैं अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो। और हमारे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है कि भाई इतने टाइम में इतनी मूवमेंट आनी, इतनी चीज़ें होनी है, वो चीज़ें हमने इनको ऑलरेडी समझा दी है। तो होपफुली ये उसको फॉलो करेंगे और ये रिजल्ट अच्छा आएगा। इन्फेक्शन पे किसी का जोर नहीं है, ये आपको भी मैं बता रहा हूँ, इनको भी मैं बता रहा हूँ, है ना। पूरी प्रिकॉशन से इनका ESR CRP ब्लड रिपोर्ट सब करवा के हमने किया है। ऑपरेशन सब नॉर्मल था, बट जो थ्रेड से सब निकाले हमने ऑपरेशन में, सब कुछ क्लियरली और बहुत स्टराइल अब प्रिकॉशन से किया हुआ है। फिर भी कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें कोई भी सर्जन की गलती नहीं है, ये भी आपको मैं बताऊँ। जो प्राइमरी सर्जन जिन्होंने भी आपने पहले ही ऑपरेशन बता किया दिया है था। उनकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि कीटाणु कहीं से भी लग सकते हैं, 1% से 2% रिस्क रहता है। अभी अपना नसीब खराब हो तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। सही अब कहा, आगे की चीज़ें को हम ध्यान देंगे और उससे ठीक रहेंगे, ठीक बिल्कुल। है। लास्ट में फिर एक और वीडियो बनाएंगे और फिर बताएंगे सबको। ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू ठीक सो मच, ओके।